डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है उसको मैं पहले ही जानकारी दे देना चाहता हूँ। पहले इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। खासकर वो लोग जो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जा करके उसको इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कमेंट कर करके डीएम कर करके दिमाग खराब करने वाले हैं कि आरवीएस एनिमे हिंदी ने तुम्हें रोस्ट किया है, बिकॉज मैं उनको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। ये बस वन पीस के एनालिसिस जो उसने किया है उसका रिव्यू वीडियो है। मैं यहाँ पर अपनी राय दूंगा कि आखिर वो एनालिसिस कैसा था। तो चलो हम अपना सड़ा हुआ लाइन बोलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक मिनट, तुम लोग को मालूम तो है ना हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सभी ने देख लिया, इसीलिए इतना कमेंट आ रहा था। साला कम्युनिटी पोस्ट तो देखो, इतना कौन प्यार दिखाता है बे। खैर मैंने वीडियो को पूरा देखा, उसका 80% वीडियो के जितने भी पॉइंट्स उसने बोले, जो कुछ भी कहा है वो सब सही है, बट उसके 20% गलत भी है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इसके कुछ पॉइंट्स ना बहुत अच्छे लगे, जैसे वन पीस सबसे बेस्ट एनिमे नहीं है जो खासकर वन पीस फैंस बोलते हैं। अब पता नहीं यार ये कौन चूतिए होते हैं जो वन पीस इज द बेस्ट एनिमे करते रहते हैं। बट मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा और इस बात से हर बंदा एग्री करेगा, वन पीस बेस्ट नहीं है, बट वन पीस इज वन ऑफ द बेस्ट सोनन मांगा या फिर सोनन एनिमे सीरीज। अब देखो, जिसकी अंग्रेजी घुटने तक ही सीमित है उसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्लस अभी जो मैं कहने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और तुम मुझे किसी से भी लड़वा लो मैं उससे जीत जाऊंगा। इस पॉइंट पे मैं हमेशा आगे हूँ। वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में वन पीस इज कम्प्लीटली मास्टरपीस, टेंशन मत लो, वो साबित करके बताऊंगा। बट पहले इसकी बात करते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, सॉरी ये क्या कह रहा था, वन पीस की स्टार्टिंग बाकी एनिमेस के मुकाबले बेकार है। इस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने जब खुद वन पीस देखना स्टार्ट किया था तो वो मुझे पकाया था, अराउंड आर्लोंग पार्क तक तो मुझे पकाया था, और उसके बाद से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। और फिर मैं इसके बाद जब अल्बास्टा आर्क देख के कंप्लीट कर दिया, फिर मुझे मालूम पड़ गया कि आखिर ये क्यों वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सेलिंग मांगा है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे बात से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी ऐसी ऑडियंस है जिनको यार वन पीस स्टार्टिंग के एपिसोड से ही पसंद आना शुरू हो गया था। प्लस बी ओटाकू ने भी एक बात कही थी कि वन पीस अगर तुमको स्टार्टिंग से पसंद आया है, मतलब एक तो तुम्हारा दिमाग विकसित नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बात सही का एक तरह से, और बहुत सारे लोगों यार गुस्सा हो जाएंगे, क्या कहना चाहता है मेरा दिमाग विकसित नहीं हुआ था, तू मुझे बच्चा समझ रहा है क्या। अबे देखो एक चीज सुन लो, जब तुम वन पीस देखना स्टार्ट किया था ना, मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, तुम उस वक्त ना टीनेज में घुसे हुए थे। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो लोग वन पीस देखना यार 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में या फिर 16 साल की उम्र में करते हैं, और बहुत सारे लोग 17 साल की उम्र में भी करते हैं, और उस वक्त तक बहुत सारे लोगों का दिमाग खुलना शुरू होता है। पर यही चीज जब तुम 20 साल 18 साल 19 साल के बंदे को जाकर के दिखाओगे तो उसे ये सब चूतिया आप लगेगा। ये बात अभी तुम लोग रियलाइज नहीं करोगे, पर जब तुम लोग खुद अडल्ट हो जाओगे और तुम जाकर के किसी ऐसे बंदे को रिकमेंड करना, दिखाना भाई ये देख, तो वो खुद समझेगा, वो तेरे को गालियां देगा, क्या पका रहा बे। खासकर 19-20 साल के लौंडों को यार ये चीज पकाता जरूर है, पर उससे नीचे वालों को पकाता नहीं है, मुझे मालूम है। 18 से नीचे वालों को तो पकाता ही नहीं है, 17 साल तक मैं गारंटी दे सकता हूँ, 18 के बाद दिमाग थोड़ा खुल जाता है और वो लोग समझ जाते हैं अबे ये चूतिया आप क्यों दिखा रहे हो, फिर उनको आर्लोंग पार्क तक दिखाना पड़ता है या फिर वो लोग एल्बास्टा आर्क तक देखते हैं, उसके बाद जाकर के पसंद आता है। अब ये चीज होना लाजमी भी है बिकॉज स्टार्टिंग का खराब एनिमेशन। खैर इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं और राय देना चाहूंगा, जैसे कि लूफी का पानी में गिरना या फिर जोरो का भटकना, इन दो चीजों पे मैं कहना चाहूंगा ये सब चीज जो है तो ही थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। मांगा में क्या होता है, मांगा में मेन फोकस ओडा का स्टोरी पे रहता है, जिस वजह से वो कब आती है कब जाती है ज्यादा हमारा ध्यान उस पे नहीं जाता है, और हमें ये ना कॉमेडी सीन टाइप लगता है। बट एनिमे में क्या है, इसको थोड़ा ज्यादा ही फोकस करके दिखाता है। ऐसे भी ये लोग यार बहुत स्लो अडेप्ट करते हैं मांगा को, तो ये चीज झेलना पड़ता है। और रही बात सांजी के नोज ब्लीडिंग को लेके, मुझे खुद एक टाइम पे इरिटेट लगा था जिस तरह से सांजी का नोज ब्लीडिंग हो रहा था, बट ये चीज जो है फिशमैन आइलैंड में एनिमे वालों ने कुछ ज्यादा ही फोकस कर करके दिखा दिया। मांगा में भी वो चीज को फोकस किया गया था पर इतना नहीं किया गया था,
और वो सांजी का नोज ब्लीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट इतना दिखाया जा रहा था, वो सीरियस मैटर क्यों दिखाया जा रहा था, क्योंकि उनको क्या चीज बताना था। जिसने ध्यान से देखा फिशमैन आइलैंड उसको मालूम है कि क्यों वो चीज जो है दिखाया जा रहा था। खैर एक और चीज मैं इसके बाद पे कहना चाहूंगा, इसके वीडियो पे कहना चाहूंगा, मैं ये वीडियो देख के गारंटी लिख के दे सकता हूँ, इस बंदे ने वन पीस पूरा ऑन गोइंग तक नहीं देखा। अराउंड ये फिशमैन आइलैंड जो है खत्म किया, उसके बाद ही इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बना दिया। खैर एक और चीज मुझे कहना है, अकॉर्डिंग टू हिम वन पीस में 10 से 15 या फिर 15 से 20 एपिसोड वाले फिलर आर्क मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा बोर करते हैं। अब देखो बोर करना नहीं करना वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, पर अगर मैं बात करूं 15 से 20 एपिसोड वाले आर्क की तो जान करके हैरानी होगा, वन पीस में कोई 15 एपिसोड से ज्यादा बड़ा वाला आर्क फिलर का है या नहीं। मतलब 15 एपिसोड का यार फिलर है या नहीं। आखिरी जो सबसे बड़ा इसका फिलर एपिसोड का लिस्ट अगर तुमको मैं निकाल के दूं, फिलर आर्क का निकाल के दूं, तो वो है तुम्हारा 13 एपिसोड का। मत बोलने लग जाना कि 10 से 15 एपिसोड तो मैंने बोला था, बिकॉज देखो 15 से 20 भी तो बोला, मैं 15 से 20 को टारगेट कर रहा हूँ ना कि 10 से 15, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही आर्क आता है जो कि सिर्फ 13 एपिसोड का है। मैं इसे सिर्फ इसलिए बोलूंगा क्योंकि वन पीस के 1000 एपिसोड्स के मुकाबले 13 एपिसोड क्या ही है, लौंडे यार एक दिन में देख के खत्म कर देते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वन पीस को प्लीज यार फिलर के नाम पे जज करना बंद करो, क्योंकि जो बंदा अगर इसके फिलर को लेके कहेगा तो फिर तो यार नरुटो और ब्लीच ये सब तो एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में, क्योंकि सभी को मालूम है नरुटो में कितना ज्यादा फिलर है। 77 एपिसोड का एक फिलर आर्क है, मतलब नरुटो खत्म होने के बाद वो जो 120 एपिसोड के बाद वो जो चुतियापा दिखाया जाता है 77 एपिसोड तक का, भाई वो तो लेजेंडरी फिलर है। और वही सेम चीज नारुतो शिपुडिन में भी दिखाया जाता है। और हाँ मैं यहाँ पर एक चीज कह दूं, बोरुतो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ ब्लीच की तो ब्लीच भी कहीं पीछे नहीं रहती है। इसका सबसे बड़ा फिलर आर्क 39 एपिसोड का है, और वैसे ही एक 33 एपिसोड का शायद एक और फिलर आर्क है, और ऐसे 2-3 आर्क है ब्लीच में भी। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं ब्लीच का मैं डाई हार्ट फैन हूँ, अगर तुम लोगों ने ब्लीच देखा है तो तुमको भी मालूम है कि ब्लीच में क्या चीज है वो जो ब्लीच फैन बनाती है लॉन्डो को। अब यहाँ पे सवाल उठता है मैं इसे दूसरे एनिमे के साथ कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसने खुद स्टार्टिंग में वन पीस को दूसरे एनिमेस के साथ कंपेयर किया था। जैसे स्टार्टिंग में ये बोर करती है, अगर हम दूसरे एनिमेस का एग्जाम्पल ले, नारुतो ब्लीच सेवन डेडली सिंस इस टाइप के एनिमेस ज्यादा इंजॉयबल है, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ। बट वहीं अगर बात आ जाती है फिलर्स की तो यार वन पीस का लाख गुना अच्छा है इनके फिलर्स से, और सबसे कम भी है। नारुतो ब्लीच ब्लैक क्लोवर जोजो, भाई हद से ज्यादा एनिमेस तुमने देख रखा है, अटैक ऑन टाइटन, इतना तो यार दिमाग में आ ही जाता है फिलर नाम की चिड़िया को स्किप मारना है। पर भाई तुम जानबूझ के तुमको इस टाइप का वीडियो बनाना था ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड की तरह, तो इस वजह से तुम्हें जो है उंगली करने के लिए तो चाहिए था, तो तुम बोलोगे। अब अगर मैं बात करूं वन पीस का पेसिंग स्लो होने का, तो यहां पर मैं सिंपली तुमको दो ऑप्शन देना चाहूंगा, दो एनिमे कहता हूं, इन दो एनिमेस को तुमको हर हफ्ते एक एपिसोड करके तुमको वॉच करना है। एक जो एनिमे है उसमें 250 एपिसोड्स फिलर है, जिनमें से 2-3 आर्क्स तो यार 50-50 एपिसोड्स के हैं और वो फिलर है, और तुमको हर वीक में एक एपिसोड देखना है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो दूसरा जो एनिमे है उसमें 2 या 3 या फिर 4, 5, 6, 10 एपिसोड तक फिलर है, लेकिन उसकी पेसिंग स्लो है। तुम किसे चूज करोगे? जाहिर सी बात है तुम किसे चूज करोगे, मुझे मालूम है वो स्लो पेसिंग वाला, बिकॉज तुम भी जानते हो मुझे एक टाइम पे फिलर को 1-1.5 साल तक झेलना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा वो फिलर को ही ऑनगोइंग होते हुए। बट दूसरा एनिमे जिसमें पेसिंग स्लो है, कम से कम भले ही पेसिंग स्लो है पर मैं देख के स्टोरी तो आगे बढ़ता हुआ मैं देख पाऊंगा, मैं इंजॉय तो कर पाऊंगा, मैं स्लो पेसिंग है बट मैं हर एपिसोड पे इंजॉय तो करूंगा, एक टाइम पे तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगा। बट ये चीज यार दूसरे वाले के साथ नहीं आएगा, क्योंकि तुम भले ही फ्लो फ्लो में बोल दोगे हाँ मैं देख लूंगा क्या है ये है वो है, पर एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुमको हर हफ्ते आना और फिलर को ही देखना है 50 एपिसोड, मतलब तुम समझ रहे हो ना, हर हफ्ते अगर तुमको एक एक एपिसोड देखने मिल जाए 1 साल लग जाते हैं। खैर अब देखो भाई ने 3 पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट जो आता है वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। इस बात से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। अगर हम वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग का कंपैरिजन दूसरे एनिमे के साथ या फिर दूसरे मांगा के साथ करें तो उसके सामने कोई ऐसी मांगा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती
जो इसके सामने टिक सके। सब यार पैरों के धूल के बराबर है इसके वर्ल्ड बिल्डिंग के मुकाबले। वैसे मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में वन पीस इज मास्टरपीस, इसका जवाब देने का वक्त आ गया है। वैसे क्या तुमने कभी सोचा है कभी भी किसी चीज को मास्टरपीस कब कहा जाता है? हो सकता है तुमने सोचा हो बट तुम्हें जवाब नहीं मालूम होगा। मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। जब किसी चीज के अंदर ऐसी खासियत हो जो उसे उसके कंपटीशन में आने वाली चीजों से अलग पहचान दिलाती है। बात समझ में आया क्या कहना चाहते हो? अलग पहचान दिलाती है। ये ज्यादातर आर्ट की चीजों में दिया जाता है और स्टोरी टेलिंग करना, मांगा, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं आर्ट ही है। प्लस तुम सबने लियोनार्डो द विंची की मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा और इंटरनेट में शायद तुमने देखा भी होगा। उसे एक मास्टरपीस क्यों कहा जाता है पहले ये बताओ, तुम सब बताओ यार मास्टरपीस क्यों कहा जाता है? मालूम है तुम्हें ये बात भी नहीं पता, बस तुमने सुना हाँ वो एक मास्टरपीस पेंटिंग है बट तुमको कोई रीजन नहीं पता। देखो और ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ। मोनालिसा की जो पेंटिंग है ना, जो उसकी ओरिजिनल पेंटिंग है, उसको अगर तुम अलग अलग एंगल से देखोगे ना तो मोनालिसा के चेहरों के जो हाव भाव है वो अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। जैसे अगर तुम दाएं से मान लो देखते हो तो वो जो है थोड़ा उदास नजर आती है, तो वहीं तुम अगर बाएं साइड से देखोगे तिरछे होके तो हो सकता है वो थोड़ा मुस्कुराते हुए नजर आए। किसी किसी एंगल में तो यार वो रोती हुई नजर आती है। क्या तुमने ऐसी पेंटिंग की खासियत पहले कभी सुनी थी? क्या तुमने ऐसी पेंटिंग की खासियत पहले किसी और पेंटिंग में देखी है? नहीं देखी ना। उस कारणों के वजह से ना उससे वो अलग है, इसी वजह से वो पेंटिंग एक मास्टरपीस है। उस पेंटिंग के जो होंठ्स हैं, जो मोनालिसा के लिप्स हैं, उन जादुई लिप्स को बनाने में लियोनार्डो द विंची को 15 साल लगे थे और वैसे ही एचिरो ओडा को वन पीस के वर्ल्ड को खड़ा करने में अराउंड 23 साल लगे हैं। तो बताओ यार मैं क्यों इसे मास्टरपीस ना कहूं? ऐसा कोई एनिमे या फिर ऐसा कोई मांगा मुझे दिखा दो जिसकी वर्ल्ड बिल्डिंग इसके आधी भी खड़ी हो सके। कोई यार मांगा एग्जिस्ट नहीं करती है। प्लस शायद तुम सबको एक चीज मालूम नहीं होगा, मैं उसका वीडियो का कमेंट रीड कर रहा तो एक बंदे ने उसे कमेंट किया है, तेरे बोलने या नहीं बोलने से फर्क नहीं पड़ता, वन पीस इज मास्टरपीस। प्लस भाई ने जब उसे रिप्लाई दिया है, हाउ बताओ भाई, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया और ये मैं रीड करके ना भाई हंस रहा था। भाई क्यों ना हंसू यार, तुम पंगे ही ऐसे लोगे यार। देखो बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के जो भी है, मैं तुमको एक चीज कहना चाहता हूँ यार, जब तुम पंगे ले रहे हो तो कम से कम सामने वाले को देख के लिया करो। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई तुमको पूछे और तुम ऐसे ही बकाओ कि वन पीस इज मास्टरपीस, तो बता देना कि क्यों उसे मास्टरपीस तुमने कहा है। खैर हम जरा अपने रास्ते से भटक गए थे तो चलो दोबारा से मेन रोड पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, इमोशनल करना। इस पॉइंट के अराउंड 90% चीजें मुझे अच्छी लगी, बाकी 10% बकवास था, मैं खुद उसको पॉइंट आउट करूंगा, टेंशन मत लो। इसका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे उसने जुजुत्सु काइज़न और डीमन स्लेयर का एग्जांपल दिया कि जुजुत्सु काइज़न देखने जाए तो अच्छी है बट डीमन स्लेयर इमोशंस को कैरी करते हैं जिस वजह से वो ज्यादा लोगों के दिलों पे राज कर पाती है। एक चीज सुन लो, इमोशंस को कैरी करना कोई गलत काम नहीं है। एक बात बताऊं ना, रोमांस एनिमे में तो साला एक्शन भी नहीं होता है पर लोगों को क्यों पसंद आती है? बिकॉज उसमें डिटेलिंग होती है, प्लस उसमें इमोशंस के साथ खेला जाता है, तुम्हारे दिमाग के साथ इमोशंस के साथ खेला जाता है, तुम्हारे दिल को दर्द दिया जाता है। जिस तरह से आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास में उसका स्टार्टिंग 5 मिनट में हमें बता दिया जाता है हीरोइन मर चुकी है, उसका फ्यूनरल चल रहा है, तुमको मालूम है। क्या तुम उस वक्त रोते हो? भाई कोई बंदा नहीं रोता है, कोई बंदा नहीं। बट जब तुम उस मूवी को पूरा देख लेते हो तो उसके बाद तुम रोते हो। हर बंदा जो इस मूवी को पूरा देख लेता ना लास्ट में वो इमोशनल जरूर होता है, भले ही ना रोए बट इमोशनल जरूर होगा। पहले दिखा दिया कि वो मरने वाली है बट फिर वो सेटअप करती है, वो इमोशंस के साथ खेलती है, वो हमें बांधती है, साकुरा चान के कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्ट करती है और उसके बाद जब उसका डेथ होता है तो हमारा भी वही हाल होता है जो मेन हीरो का था। तो यार वहाँ पे इमोशंस के साथ खेला गया हमारे साथ और यही सेम चीज वन पीस लगभग हर आर्क में करती है और यही सेम चीज वन पीस भी कैरी करके चलती है और कुछ ज्यादा ही कैरी करके चलती है। इसी वजह से वन पीस बहुत ज्यादा इमोशनल है और वन पीस इमोशनल होना चाहिए तभी हम इसकी स्टोरी के कैरेक्टर्स के साथ जो है कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों हमें नामी जो है जो स्टार्टिंग में पकाने लगती है, एक टाइम पे हम उसे हेट कर रहे होते हैं, आलोक पार्क में उसको अच्छा क्यों मानने लगते हैं,
बिकॉज उसका पास्ट हमें दिखाया जाता है, उसके बाद से वो कैरेक्टर हमें अच्छा लगने लगता है। एनिमे मूवी हटा दो, रोमांस एनिमे हटा ही दो, बहुत लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। नारुतो तो हर किसी ने देखा है, उसमें जब इताची की डेथ होती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम डेथ होने के बाद बता रहा हूँ, बट जब उसका पास्ट रिवील होता है हर बंदा कह रहा था इताची हीरो है, इताची लेजेंड है, इताची गॉड है, ये है वो है फलाना ढिंकाना है, पर उससे पहले हर दूसरा बंदा उसको गाली दे रहा था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं उसको गाली तो नहीं देता था क्योंकि मैं जानता था एक चीज, ये कैरेक्टर एक परफेक्ट विलन है, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो एक हीरो टाइप कैरेक्टर, वो आगे जाके हीरो बनेगा, बट उससे पहले मैं उसको विलन मानता था, जैसे कि मैं अकाइनो को एक परफेक्ट विलन मानता हूँ, क्योंकि विलन कैसे होने चाहिए, कमीने होने चाहिए, तो मैं इताची को उस टाइप का सोचता था, अपने ही क्लैन के लोगों को मार दिया, ओवर्ड पावर्ड कमीना विलन, इस टाइप का मैं सोचता था, जो यार अपने सामने जितने भी ओपोनेंट्स होते हैं उनको मच्छर की तरह समझता है, मैं इस टाइप का सोचता था, जो ज्यादा बात नहीं करता है, और कूल तो यार ये है ही। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, इताची मेरा फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो सीरीज का। अब चलो दोबारा से ट्रैक पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम मरीनफोर्ट की बात करते हैं। मरीनफोर्ट ज्यादा कुछ खास उसे लगा नहीं, इसके दो रीजन हो सकते हैं, पहला तुम लोगों ने बहुत ज्यादा उसे ओवरहाइप कर दिया होगा, दूसरा इसने पक्का इससे बड़ी वॉर देखी है, ब्लीच का 1000 Years of Blood War। भाई ये वॉर सोनन मांगा या फिर सोनन एनिमे हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर है, वैसे उसका सोनन एनिमे आया नहीं है, वो आने वाला है। वही अगर मैं बात करूं बर्जर्क का गोल्डन एज आर्क, भाई वो तो साइनन है पर वो एक अलग लेवल का वॉर है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, पर ये दो वॉर अगर उसने देख रखा है तो पक्का इसने बहुत बड़ी वॉर देखी है, तो उसके लिए यार मरीनफोर्ट बच्चा सा है। और अगर मैं बात करूं एस की डेथ दिखाना, उसका बैक स्टोरी दिखाना, व्हाइट बियर्ड के बारे में बताना और सैंक्स की एंट्री करवाना, पहले हम इन दो कैरेक्टर्स की बात करते हैं एस और व्हाइट बियर्ड के बैक स्टोरी को लेकर के। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ओवरहाइप करने का ट्राई किया गया है ऐसा उसे लगता है, पर देखो यार ऐसा वन पीस के लगभग हर आर्क में होता है, और हमें अच्छे से पता है जब कोई भी कैरेक्टर मरता है तो हमको उसका बारे में जरूर पता चलता है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ओवर हाइप करना, वो चीज करना वो गलत नहीं है, वो हर एनिमे करती है और इसमें थोड़ा ज्यादा है, ठीक है वो तुम्हारा मानना है, पर एक तरह से ये कोई गलत नहीं है। और अगर ये इमोशंस को कैरी करने में नाकामयाब होती है तो सैंक्स का एंट्री करवाना। मुझे नहीं लगता कि 99% लोग यार जब एस और व्हाइट बियर्ड की डेथ देखे थे ना भाई, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, और उसके बाद सैंक्स का आके वॉर को रुकवाना वो एक अलग लेवल का चीज है, और ये किसी तरह से ओडा ने गलत नहीं किया, क्योंकि सैंक्स अपने ही यूनिवर्स का कैरेक्टर है, वो काम करना थोड़ी गलत है यार, वो दूसरे एनिमे से आके थोड़ी वॉर रुकाया। लास्ट में भाई ने बोला वन पीस इज नॉट बेस्ट बट इमोशनल, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा थर्ड पॉइंट के बाद। तो भाई के अनुसार तीसरा पॉइंट है वियर्ड, ये पॉइंट भी मुझे बहुत मस्त लगा और इस पॉइंट से भी मैं 100% एग्री करता हूँ। एक काम करो, इसके वीडियो को जाके ओपन करो उस वाले वीडियो को, और जा करके 12 मिनट 1 सेकंड से देखो और उसको चला दो, वहां पर तुमको मालूम पड़ेगा इसने कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हें शायद कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे बहुत कुछ समझ में आया। अकॉर्डिंग टू हिम अलग इज इक्वल टू बेस्ट, तो मेरे भाई अकल के अंधो कुछ समझ में आया, मुझे मालूम है तुमको कुछ नहीं समझ में आया, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको यार कुछ भी नहीं समझ में आया, उनके सर के ऊपर से चला गया। बताता हूँ टेंशन मत लो। मास्टरपीस में मैंने क्या बोला था, किसी चीज में ऐसी खासियत हो जो उसे उसके कंपटीशन में आने वाली चीजों से अलग बनाती है। अब बताओ वन पीस को जब कोई कंपेयर करता है ज्यादातर किसके साथ कंपेयर करते हैं, ड्रैगन बॉल, नारुतो, ब्लीच, इन्हीं के साथ ना। ये बंदा इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है वन पीस वर्ल्ड बिल्डिंग इमोशंस वियर्ड इन तीनों चीजों के मामले में ड्रैगन बॉल नारुतो और ब्लीच से अलग है, और अलग इज इक्वल टू क्या बेस्ट है। वीडियो खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। ड्रैगन बॉल अलग कैसे है, हैंड टू हैंड फाइट के मामले में ड्रैगन बॉल नारुतो वन पीस ब्लीच से अलग है, और अलग इज इक्वल टू क्या बेस्ट है। वैसे ही ब्लीच के साथ भी है, उसका स्वॉर्ड फाइट एक्शन मैंने आज तक किसी और एनिमे में नहीं देखा। हाँ डीमन स्लेयर फेट सीरीज ये लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, बट जिस लेवल का ब्लीच में दिखाया गया है, जिस लेवल के वो कैरेक्टर्स यार आपस में फाइट करते हैं भाई, उसका लेवल एक अलग मुकाम पर है जिसको अभी तक तो कोई एनिमे सरपास नहीं कर पाया है। तो इसी वजह से
स्वॉर्ड फाइट एक्शन के मामले में ब्लीच इन तीन एनिमे से अलग है, और अलग इज इक्वल टू क्या, बेस्ट है। अब बात करते हैं नारुतो की। नारुतो को क्या चीज अलग बनाती है, ये जिस तरह से अपने गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ करके उसे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर करवाती है। मजाक था, सीरियसली मत लेना, पर यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर हर उस नारुतो फैंस को ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आखिर क्या है वो चीज जो नारुतो को अलग बनाती है बाकी सभी एनिमे से। खैर भाई के वीडियो पे आते हैं। जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट के लास्ट में बोला था, अकॉर्डिंग टू हिम वन पीस इज नॉट बेस्ट बट इमोशनल। वन पीस बेस्ट नहीं है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, प्लस इमोशनल है। हाँ ये इमोशनल है, और सच बता रहा हूँ दूसरे एनिमे के मुकाबले ये एनिमे कुछ ज्यादा इमोशनल है, और इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। और जब मैंने सेकंड पॉइंट को कवर किया था तभी मैंने डिटेल में समझा दिया था। प्लस इसकी सबसे बड़ी गलती, ये वन पीस के करंट एपिसोड्स तक पहुंचा नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। और मैं यार अंदाजा लगा के बता सकता हूँ, ये मैं 100% श्योर हूँ, ये पक्का पंख हजार्ड या फिर ड्रेस रोजा में होगा। प्लस तुम्हारा यहाँ पर सवाल उठ सकता है, अगर वो इतना ही अच्छा है, वो इनडायरेक्टली अगर वन पीस का तारीफ ही करना चाहता है तो फिर ये सब चीजें क्यों कहता है। मैं तुमको बताता हूँ, ये सब बकचोदी वो जानबूझ के करता है ताकि वन पीस फैंस यार ट्रिगर हो सके और तुम लोग भी वही हरकत कर सको जो नारुतो फैंस और ड्रैगन बॉल फैंस करते हैं। और तुमने कभी देखा है ये ब्लीच के ऊपर ऐसे प्रॉपर वीडियो बनाते हुए? नहीं देखा ना। वैसे तो ब्लीच इसने देख रखा है पर कभी नहीं बनाएगा, बिकॉज ब्लीच का कोई अभी तक कम्युनिटी इंडिया में है ही नहीं, ब्लीच बहुत कम लोग देखते। अगर ये ब्लीच के ऊपर वीडियो बनाएगा तो कौन इसे गाली देने आएगा? अब समझ में आया। वैसे अभी बहुत सारे लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि ऐसी चीजें शायद उन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं सुनी है। हाँ तुमने सुन रखी है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बंदा वन पीस के रिव्यू पे वीडियो बनाता रहता है और ये चीज कहता रहता है। मैं पहले इस एनिमे को चूतिया समझता था, पर फिर जब मैंने इसको देखा मेरा ये हो गया, मुझे मजा आने लगा, मुझे इसका एडवेंचर पसंद आने लगा। अलग अलग चीज चूतिया आप बताते रहते हैं, और ये चीज यार मैं इंडियन वन पीस कम्युनिटी में इतना ज्यादा देख चुका हूँ ना, आजकल मुझे देखने का मन नहीं करता जब भी रिकमेंडेशन होता है। प्लस इस बंदे ने जैसा कि कहा एनालिसिस वीडियो पे, इसने जो तीन पॉइंट्स बताए हैं ऐसा आज तक किसी और यूट्यूबर ने नहीं बताया है। ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक तरह से इसने गलत कहा है, क्योंकि इसने पक्का किसी और इंडियन यूट्यूबर का देखा ही नहीं होगा। मैं तुमको बताता हूँ, लूबर, आरएस, रूफी या फिर मेरा वीडियो, हम चारों में से किसी का भी वीडियो अगर तुम लोग शुरू से देखते आ रहे हो तो हमने पक्का ये तीन पॉइंट हम लोगों ने जरूर पॉइंट आउट करके तुम्हें बताया ही होगा। हाँ हो सकता है हम लोग एक वीडियो में इसकी तरह प्रॉपर तरीके से नहीं बताए हैं, पर किसी न किसी वीडियो पे ये तीनों पॉइंट अलग अलग करके बताए होंगे। जैसे एक वीडियो पे हमने बता दिया कि इसका वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइप का है, दूसरे वीडियो पे बता दिया कि ये बहुत ज्यादा रूल आता है, इमोशनल है, इस टाइप से हमने जरूर बताया है, ऐसा मुझे पक्का मालूम है। खैर जो भी हो, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन ऑन करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा इस टाइप के वीडियोस बनाने का। प्लस नेक्स्ट टाइम से किसी और यूट्यूबर का कंट्रोवर्सी टाइप लफड़ा हो तो मुझे मत घसीटना प्लीज। इस टाइप का वीडियो बनाए तो मुझे ज्यादातर इस टाइप से कमेंट कर करके जान मत खाना, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यार इसके वजह से, एक बंदे के वजह से मैं अपने बहुत सारे वीडियोस के आइडियाज ड्रॉप करके तुम लोग के लिए इतने टाइम से वीडियोस बनाता हूँ, तो इसी वजह से यार मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, 5 दिन में 5 वीडियोस चल गए इसके चक्कर में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, फिलहाल के लिए बाय।